गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो नया नया करते साथ ही हम लोग करते हैं एक नए ब्लॉग का आगाज। सबसे पहले हम लोग खाते हैं रात का खाना, यानी कि आलू चावल। और बेशक हम लोग ने रात का खाना खा लिया, लेकिन आधी रात में हमें फास्ट फूड की क्रेविंग ना हो, यार ये किस किताब में लिखा है। तो हमें फास्ट फूड की क्रेविंग, और हम लोग ने ऑर्डर किया लाहौर ब्रोसिंग इंजेक्टेड रोस्ट विद ग्रेट स्पाइसेस, एंड नो डाउट दिस वॉज टू मच डिलीशियस एंड अमेजिंग। इसके बाद जी नींद आ गई जबरदस्त, और हम लोग सो गए। और सुबह उठते हमें गर्मा गर्म नाश्ता सर्व कर दिया, जिसमें हमारे लस्सी और चावल है, और लस्सी पीते साथ ही हमें छा गई सुस्ती, हम लोग सो गए। उठते साथ फिर घर में कुछ नहीं, तो हम लोग ने बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया। वो खाने के बाद मैं अपनी स्किन केयर रूटीन पर, बिकॉज स्किन केयर रूटीन इज द मेन पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो मैंने यूज किया मुल्तानी मिट्टी विद ग्रेट कूलिंग क्रिस्टल्स, जिसने मेरी स्किन को बहुत ज्यादा जबरदस्त बना दिया। और इसके बाद मेरी कजन की बर्थडे थी, डेकोरेशन की सारी चीजें वगैरह तो हम लोगों ने लाके अपने घर में रखी हुई है। डेकोरेशन करने का तो टाइम नहीं मिला, लेकिन रात को 12 बजे उसको विश किया एंड ग्रेट सरप्राइज दे दिया। और इतने ही सरप्राइज से बच्ची बेतहाशा खुश हो गई थी। और यार उसको खुश करना भी बहुत जरूरी था, बिकॉज शी इज माई बेस्टी। लेकिन सजावट की आधी चीजों ने तो यार हमें धोखा दे दिया था, बिकॉज वो रंग शंग तो आधे खराब निकले, और ये जो सरप्राइज वाला था ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा था। लेकिन फाइनली हो गया, और हम लोग पूरे गंदे होकर आधी रात को हमें नहाना पड़ा।